नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कर्म ही पूजा है, इस वचन को सत्य करने कई महारथी आए और उन्होंने इसे सिद्ध भी किया। अगर कोई अपने कर्म को पूजता है, दुनिया भी उसे पूजने लगती है। इसके बेहतरीन उदाहरण शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान है। उनके शहनाई में जादू था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। भारत के सर्वश्रेष्ठ चार रत्नों से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनके शहनाई वादन की देश प्रदेश में प्रख्याति थी। अमेरिका से बुलावा आने के बावजूद इन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमराव जिले के एक मुस्लिम परिवार में 21 मार्च 1916 को हुआ था। उनका खानदान दरबारी राग बजाने के लिए प्रसिद्ध था, जो अक्सर अपने संगीत का हुनर दिखाने के लिए बिहार के भोजपुर रियासत में जाया करते थे। उस वक्त उनके पिता बिहार के डुमराव रियासत के महाराज केशव प्रसाद सिंह के दरबार में अक्सर शहनाई बजाया करते थे। उनके पिता का नाम पैगंबर खान और माता का नाम मिठनबाई था। जब बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, तब उनके पिता ने उनकी किलकारियों को सुनते ही ईश्वर को शुक्रिया करते हुए बिस्मिल्लाह कहा था। यहीं से उनका नाम बिस्मिल्लाह पड़ा। उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था और उनका एक और भाई भी था। बिस्मिल्लाह के परदादा, दादा और पिता सभी शहनाई वादक थे। 6 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ बनारस चले गए। यहाँ पर उन्होंने अपने मामा अली बख्श वेलायती से शहनाई वादन सीखा। उनके मामा विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से शहनाई वादन किया करते थे। उन्हें बनारस की मलाई काफी पसंद थी, तो गंगा घाट पर मलाई खाते हुए वो शहनाई बजाना सीखा करते थे। बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो गई। 16 वर्ष में मुगगन खामान के साथ खान साहेब का निकाह हुआ। उनकी शादी उनके दूसरे मामा सादिक अली की दूसरी बेटी से हुई थी। इस शादी से उन्हें 9 संतान हुई। उन्होंने बेहतर पति के तहत अपनी भूमिका निभाई, मगर शहनाई को वो दूसरी बेगम कहा करते थे। उनके घर में 66 लोगों का परिवार था, जिसका भरण पोषण वो किया करते थे। इतने लोगों को एक साथ रहने के कारण बिस्मिल्लाह खान कई बार अपने घर को होटल भी कहा करते थे। अपनी दिनचर्या को लेकर भी काफी सख्त है। वो सुबह उठकर योग, कसरत आदि किया करते थे। इसके साथ ही लगातार 30 से 35 सालों तक साधना उन्होंने किया, जिसमें 6 घंटे का रोज का रियाज उनकी दिनचर्या में शामिल था। उनके मामू अली बख्श वेलायती के मृत्यु के बाद 60 सालों तक खान साहब ने अकेले ही शहनाई की साज को बुलंदियों तक पहुंचाया था। मुसलमान होते हुए भी वो सांझी संस्कृति के प्रतीक थे। अन्य हिंदुस्तानी गायकों की तरह वो भी धार्मिक रीति रिवाज के प्रबल पक्षधर थे। बिस्मिल्लाह खान बाबा विश्वनाथ की नगरी के एक अजीब किंतु अनुकरणीय अर्थ में धार्मिक थे। एक ओर जहां वो काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे, वहीं दूसरी ओर वो अकेले गंगा किनारे घाटों पर बैठकर घंटों रियाज किया करते थे। 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। इसके अलावा वो हर त्योहार में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। रमजान के दौरान बिना किसी शर्त के व्रत किया करते थे। वो कहते थे कि जात पात कुछ नहीं होता, वो धर्म जात इस सभी को नहीं मानते थे। उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। भारत की एकता की संस्कृति के वो सही मायने में प्रतीक थे। खान साहब अपने कौशल को भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद बताया करते थे और उनका मानना था कि यह कौशल अपने शिष्यों को सिखाकर इसे आगे ले जाएं। वो अपने विद्यार्थियों को बहुत परख कर चुना करते थे। वहीं वो अपने छात्रों को थोड़ा सा नहीं बल्कि शहनाई का पूरा ज्ञान देना चाहते थे। उनके प्रमुख विद्यार्थियों में एस बलेश, कृष्ण बलेश के अलावा उनके पुत्र नाजीम हुसैन और नैयर हुसैन शामिल हैं। उनके बारे में खास बात थी कि वो काशी छोड़कर कहीं भी जाते थे तो उनका मन नहीं लगता था। वो बनारस छोड़कर जाने की बात से व्यथित हो जाते थे। उनका कहना था कि वो काशी और गंगाजी से दूर नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाह खान विदेशों में भी चर्चित थे। उन्हें कई देश ने अपने यहाँ पर बुलाकर काम करने को कहा। इतना नहीं, ये भी कहा कि बस आ जाओ, हम आपको हर सुविधा देंगे, मगर खान साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ गंगा है, काशी है, बालाजी का मंदिर है, यहाँ से जाकर इन सब से बिछड़ जाऊंगा। इसी कारण से उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 21 अगस्त 2006 को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया। उनकी 3 बेटियां, 5 बेटे और एक गोद ली हुई बेटी के अलावा उनके 2 शिष्य एस बलेश और कृष्ण बलेश शामिल हैं। उन्हें देहसंत कर पूरे देश में शोक व्यक्त किया गया था। उनके शरीर के साथ एक शहनाई को भी बनारस में नीम के पेड़ के नीचे दफनाया गया। भारतीय जवानों के द्वारा उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। उन्हें कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, स्वास्थ्य संगीत पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी, तानसेन अवार्ड इत्यादि कई अवार्ड से सम्मानित किया गया।
बिस्मिल्लाह खान ने एक बार कहा था कि सिर्फ संगीत ही है जो इस देश की विरासत और तहजीब को एकाकार करने की ताकत रखता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी बिस्मिल्लाह खान से जुड़ी कोई भी कहानी याद हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।